ये 99% इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा, और अगर 1% इंडिया गठबंधन रहता है तो वो तभी रहेगा जब उसमें मायावती होगी। मोदी जी का आना और मोदी जी का जाना दोनों बसपा के हाथ में हैं। अगर इंडिया गठबंधन में मायावती जी आती हैं तो मोदी जी का जाना थे, और इंडिया गठबंधन से बाहर रह करके अगर अकेले चलोगी नीति पर, क्या नाम है, बहन जी चुनाव लड़ती है, बसपा चुनाव लड़ती है मुल्क भर में, तो मोदी जी का आना थे। तो आना और जाना बसपा के हाथ में है। तो जो लोग इंडिया गठबंधन को बना करके और देश पर शासन करने का सपना देख रहे हैं, उनको चाहिए कि वो कम से कम इतनी ईमानदारी जरूर दिखाएं कि बसपा को, बहुजन समाज पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी के वोटर को, जो इस देश का अम्बेडकरवादी, फूलेवादी, कबीरवादी, नानकवादी विचारधारा से का पुरजोर समर्थक है, उस वोटर के मान सम्मान को ख्याल में रखते हुए बहन जी के साथ में बैठ करके बातचीत करनी चाहिए, बसपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ बसपा को अगर पूरा मान सम्मान मिलेगा और अगर बसपा को लगेगा कि हाँ उनको उनकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी पर के ऊपर वो सही होंगे तो बसपा शामिल होगी, और देखना इस देश में 2024 में मोदी सरकार जो यहाँ से हटाई जाएगी। क्या यही वजह है जो अखिलेश से दूरी बना रहे हैं कांग्रेस नेता, जिस प्रकार आपने पीछे देखा जो भी हुआ, भले कांग्रेस ने अब उनको मना लिया। देखिए उनके बीच में क्या बात रही है, अखिलेश यादव की स्टेटमेंट अपने आप में महत्वपूर्ण है, वो भी मुख्यमंत्री रहे, उनके फादर मुख्यमंत्री रहे हैं और वो एक सुलझे हुए राजनेता हैं। उधर उनसे दूरी बना लेना, या मध्य प्रदेश में वो कह रहे थे हमने तो 6 सीट पर की बात की थी, हम तो सोचे थे 4 दे देंगे उनको, 4 सीट भी नहीं छोड़ना, फिर बाद में अखिलेश यादव का ये स्टेटमेंट आना कि नहीं हमने सब कुछ ठीक है, उनको मना लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं भविष्य के गर्भ में, लेकिन एक बात हम यह कह सकते हैं वो ये है कि अखिलेश यादव का जो दबदबा है वो उत्तर प्रदेश में और थोड़ा सा मध्य प्रदेश में 1-2-4 सीट पर है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो उसका वोट दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, उत्तराखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, हर प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी है। तो अगर आपको हिंदी बेल्ट पर और महाराष्ट्र में सही मायने में, क्या नाम है, बसपा के साथ बैठ करके बातचीत करनी है तभी आप बीजेपी को रोक सकते हो, अन्यथा नहीं रोक सकते। क्या कांग्रेस के लिए सपा बेटर है या फिर बसपा बेटर रहेगी गठबंधन? देखिए अगर मेरे लिए तो दोनों महत्वपूर्ण है। अगर कांग्रेस की जगह मैं होता, मैं राहुल गांधी होता और मुझसे कहा जाता कि आप किस प्रकार से देखते हो, तो मैं तो राहुल गांधी होने के नाते, कांग्रेस का अध्यक्ष होने के, मल्लिकार्जुन खड़गे होने के नाते, मैं तो कहता कि भाई मायावती जी को भी बुलाओ, अखिलेश यादव को बुलाओ, और अगर हमें कहीं बड़ा दल दिखाते हुए किसी को 2-4-5 सीट छोड़नी पड़ रही है तो हमको छोड़ देनी चाहिए, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो कांग्रेस नेताओं को जज गई है की बसपा को लाना चाहिए? देखिए कांग्रेस को पता है, और मैं अभी रुकिए, अभी चुनाव में 6 महीने का समय है, 6 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इंडिया गठबंधन या तो खत्म हो जाएगा, ये 99% इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा, और हाँ मैं बता रहा हूँ आज आपको बड़ी बात कह रहा हूँ, और अगर 1% इंडिया गठबंधन रहता है तो वो तभी रहेगा जब उसमें मायावती होगी। तो सहमति बन पाएगी बसपा? देखिए राज्य स्तर पर मैं तो कह रहा हूँ राज्य स्तर पर गठबंधन होना ही नहीं चाहिए, राज्य स्तर पर हर पार्टी अपने अपने ताकत से चुनाव लड़े और विधानसभा चुनावों में जितनी जिसकी ताकत के हिसाब से वो निकल करके आए। अगर सपोज करिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी 20-20 सीटें ले जाती है, 15-15 सीटें ले जाती है, तो उसकी ताकत बढ़ेगी, फिर उसके बाद में बैठ करके मोल भाव किया जाएगा नेशनल लेवल पर, हमारी सीट इतनी वहाँ इतनी वहाँ इतनी, तो उसके बाद अब पहले ही आप गठबंधन कर लोगे तो कहाँ से होगा। तो मैं चाहता हूँ कि दिसंबर के बाद में गठबंधन हो और मायावती जी से बैठ करके कांग्रेस और मायावती कांग्रेस से साथ बैठ करके बातचीत करें तो एक सकारात्मक रास्ता निकलेगा। क्या लगता है आपको बसपा को जाना चाहिए गठबंधन? बिल्कुल जाना चाहिए, अगर मान सम्मान के साथ बसपा को बुलाया जाता है और सम्मान के साथ में सीटें मिलती हैं, जितनी उम्मीद की जा रही है उतनी सीटें मिलती हैं, क्या बुराई है? एक तरफ तो कहा जा रहा है कि बसपा खत्म हो गई है, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कह भी रहे हैं इस बात। देखिए बसपा खत्म हो गई है, बसपा जिंदा है या बसपा वेंटिलेटर पे है, ये चीज़ें जो हैं उन लोगों के लिए जो राजनीतिक रूप से, देखिए एक 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 राजनीति में होता है कि मनोबल डाउन कर देना, बसपा का वोटर जो वो देख रहा है कि अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में जाती हैं तो वो बसपा का एक एक वोटर जो है बसपा को वोट करेगा, और अगर इंडिया गठबंधन में नहीं जाती तो 1% हो सकता है थोड़ा सा दाएं थोड़ा सा दाएं वहाँ वोट बिखर जाए, तो वो बसपा के लिए भी नुकसानदायक हो और इंडिया गठबंधन के लिए भी नुकसानदायक हो। तो बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है आपका? बीजेपी की बी टीम कौन है तो सारी दुनिया जानती है, अगर बसपा बीजेपी की बी टीम होती तो वहाँ फूले अम्बेडकर ही विचार नहीं होता, वहाँ जय श्री राम राधे श्याम होता, वहाँ जय श्री राम और राधे श्याम नहीं हो, आज भी जय भीम नमो बुद्धाय है, वहाँ फूले कभी नानक रैदास की विचारधारा है। तो मैं समझता हूँ कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, बीजेपी की बी टीम कौन है कौन नहीं है ये सब देखो, होता क्या है कि जो बात सच है वो आपको या तो आज स्वीकार करनी पड़ेगी, और अगर आज आप स्वीकार नहीं करोगे तो कल स्वीकार करनी पड़ेगी,
जो लोग बसपा को इग्नोर करके और इंडिया गठबंधन की कल्पना करके और बना करके और वो भारत के प्रधानमंत्री बनने की जो कल्पना कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मुल्क भर में बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वोट बैंक है और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी का एक चेहरा है, उनको इग्नोर करके और ख़ास तौर से इस देश के 25% दलित समाज को इग्नोर करके आप देश पर रूल नहीं कर सकते। जो कांग्रेस पार्टी के और जो छोटे नेता, चाहे वो अजय राय है, चाहे वो और आचार्य प्रमोद कृष्ण है, वो जो ये बात कह रहे हैं कि बिना बहुजन समाज पार्टी के हम एनडीए गठबंधन को नहीं हरा सकते हैं, तो ये सच्चाई है। तो अब ये बात कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को समझनी चाहिए और शीर्ष नेतृत्व के समझ में बात आनी चाहिए। हालांकि उनको भी पता है कि बिना बसपा के हम नहीं हरा सकते, क्योंकि बसपा के पास में अपना 10% पूरा वोट जो है वो ऑल ओवर इंडिया है। और मोदी को हराने और जब मैंने देखो पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ, लोग जानते हैं चंद्रशेखर राजनेता नहीं, उसको देखिए आप राज अगर 2024 के चुनाव में आप बात करेंगे तो आपको ये बात हटानी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। चंद्रशेखर एक अच्छा लड़ाका है, चंद्रशेखर एक अच्छा समाज के दुख दर्द में शामिल हो जाता है, लेकिन कम से कम अभी समाज जो है चंद्रशेखर को नेता स्वीकार करने के मूड में नहीं है। क्यों ऐसा क्यों नहीं, वोट तो है, देखिए उनका दबदबा नहीं, कहाँ है वोट? हाँ। चंद्रशेखर खुद चुनाव लड़ने पता चल जाएगा। चंद्रशेखर हमारा भाई है छोटा, हमारी शुभकामना उसके उज्जवल भविष्य के लिए है, लेकिन अभी समाज उसको नेता स्वीकार करने के मूड में नहीं है, ये सच्चाई है। बहन जी जब तक है वो नेतृत्व कर रही है, अच्छा है बुरा है जो भी है, जब बहन जी नहीं रहेगी दुनिया में एक ना एक दिन सबको जाना है, हमको भी जाना है। जब बसपा का नेतृत्व किसी और के हाथ में आएगा फिर समाज तय करेगा वो आकाश आनंद को नेता माने, चंद्रशेखर को नेता माने, जिसको नेता मानेगा समाज उसके साथ जाएगा। लेकिन गठबंधन कर रहे हैं चंद्रशेखर, देखिए गठबंधन तो ऐसे ऐसे लोग भी कर रहे हैं भाई साहब जिनका निगम पार्षद भी नहीं, और वो कोई आम आदमी से नहीं कर रहे हैं, वो लोग उन लोगों से गठबंधन कर रहे हैं जो बड़ी राज्य बीजेपी किन किन लोगों से गठबंधन कर रही है। ऐसी 35 पार्टियों में से 10-15 पार्टी ऐसी जिनका खाता तक नहीं खुला है, तो आप उन लोगों से ये कहें कि ये गठबंधन करना अलग चीज़ है और राजनीति में स्थापित होना अलग चीज़ है। तो माना जाए अभी भी बहुजन समाज पार्टी का एक दबदबा है, एक बात है उसमें भी। अगर बहन जी आज चाहे रोड पर निकल आए तो वो देश की सबसे बड़ी नेता है, समाज उनको उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है, और अगर समाज नाराज होकर के कुछ बोल भी देता है तो इसलिए बोल देता है कि बहन जी बाहर निकले नेतृत्व करे, क्योंकि समाज को उनसे उम्मीद है। जो लोकतंत्र है वो किताबों में सिर्फ रह गया है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल अगर आप देखो तो जीरो है, क्योंकि आपके बच्चे आपकी जो आज मैं वहां बैठ के संघर्ष कर रही हूँ इतने दिन से, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही। हाँ ये बात तो जरूर है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, ये हमने बचपन में प्रेयर पढ़ी है, तो दूसरों के लिए बोलने से पहले मैं पहले अपने लिए बोलूंगी क्योंकि मैं करती ही आई हूँ। तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो सत्ता में आज बेबस लोग बैठे हैं, जैसे ईवीएम शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है, जो वोट के राही नहीं, जो एक मशीन के राही अपनी सरकार बनाकर बैठे हैं, उनके अगेंस्ट आवाज उठा के उनको बताना कि असली ताकतवर डेमोक्रेसी में इस देश में राजा नहीं प्रजा है, लोकतंत्र में राजा को बनाने वाले राजा नहीं है, राजा को बनाने वाली प्रजा होती है, और वो प्रजा हम लोग हैं, हमसे बनेगी, और अपनी आबादी से अपने संख्या बल से हम ये सारी चीजें बता सकते हैं। और ऐसे कार्यक्रम, ऐसे मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति व्यक्ति को बनाता है, मूवमेंट मूवमेंट खड़ा करती है, एक मूवमेंट मूवमेंट को खड़ा करेगी, और हमें मूवमेंट को खड़ा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सत्ता में बैठे लोग बौखला गए हैं, वो भूल चुके हैं कि वो बाबा साहेब के दिए हुए वोट की ताकत से उधर जाकर बैठे हैं, वो हमारे है ही नहीं।